चलो सीखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वा अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदनी चैनल का बहुत मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी, हमारे प्रोग्राम का नाम है जी कुरान टाइम, यानी कुरानी मालूमात हासिल करने का ये टाइम है। कुरान टाइम है मतलब कुरानी मालूमात हासिल करने का टाइम है। अपने इस प्रोग्राम में हम कुरानी मालूमात दिलचस्प अंदाज में बहुत सारे सेगमेंट्स के ज़रिए हासिल करते हैं। हम बयान नुज़ूल सेगमेंट भी शामिल करते हैं, बयान भी सुनते हैं, इसके अलावा हम वाक़या भी सुनते हैं, आपको पैकेज भी दिखाया जाता है, आखिर में एक्टिविटी भी की जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो कुरान पाक में बयान हुई है वो भी आपको बताई जाती है। और इसके अलावा मैसेज ऑफ कुरान, ये भी हमारे प्रोग्राम का एक अहम सेगमेंट है। नात शरीफ भी आपको सुनाई जाएगी और सबसे पहले आगाज़ हम करेंगे तिलावत से। तो आइए दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह तिलावत की जानिब बढ़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों, दुरूद पाक पढ़ने की हम फजीलत सुनते रहते हैं और हम इसकी तरगीबात भी सुनते हैं। हमें दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए, दुरूद पाक हमें पढ़ते रहना चाहिए। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। हमें दुरूद पाक की कसरत करते रहना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार बरकतें हैं, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत बयान फरमाई हैं, तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ। बहुत प्यारा सेगमेंट है, कुरान पाक की एक आयत की हम तिलावत सुनेंगे और फिर उसका आसान तर्जमा भी सुनेंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु वल्लाहु वासिउन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों, हमने पारा 3 सूरह बकरा की आयत नंबर 268 की हमने तिलावत सुनी है। अब बढ़ते हैं इसके तर्जमे की तरफ। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। शैतान तुम्हें मोहताजी का अंदेशा दिलाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी तरफ से बख्शिश और फजल का वादा फरमाता है, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने आयत सुनी है, आयत का साथ तर्जमा भी सुन लिया है, आसान तर्जमा हमने सुना है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, और दूसरा सेगमेंट भी हमारा बहुत प्यारा सेगमेंट होता है क्योंकि उसमें हम नात शरीफ सुनते हैं। सेगमेंट का नाम है कलाम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ ये सबब बार बार आप से है। हाज़री का सबब बार बार आप से है। गुनाहगार खुदा किए में मेरा वकार आप से है। कसम खुदा किए में मेरा वकार आप से है। मैं बेकरार सारी बहार आप से है। मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है या रसूल सुनहरी जालियों में यार गार। प्यार आपसे है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा कलाम हम सुन रहे थे। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है, मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। माशाल्लाह नाथ खान से हम कलाम सुन रहे थे। जी प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के बहुत अहम सेगमेंट की तरफ, बहुत मालूमाती सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 9 सूरा आराफ की आयत नंबर 204 में इरशाद फरमाता है, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़ास्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पढ़ा जाए तो इसे गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है कुरान टाइम और सेगमेंट है हमारा मैसेज ऑफ कुरान। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आपको भी कुरान टाइम जो हमारा प्रोग्राम है इसके जितने भी सेगमेंट्स हैं ना आपको याद होने चाहिए। बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत सेगमेंट्स हैं, इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। अभी जो यहाँ बच्चे मौजूद हैं इनके साथ साथ आप भी रिपीट करें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा। प्रोग्राम है कुरान टाइम और सेगमेंट है हमारा मैसेज ऑफ कुरान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत में फरमाया गया है कि जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुना जाए। क्या किया जाए? गौर से सुना जाए। जी हाँ, जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुना जाए और खामोश रहा जाए। हज़रत अल्लामा अब्दुल्ला बिन अहमद नसफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, इस आयत से साबित हुआ कि जिस वक्त कुरान करीम पढ़ा जाए ख्वा नमाज में या नमाज के अलावा, उस वक्त सुनना और खामोश रहना वाजिब है। क्या है? वाजिब है। हाँ वाजिब है खामोश रहना। हम जब नमाज में हों उस वक्त कुरान पढ़ा जाए या नमाज के अलावा कुरान पढ़ा जाए, उस वक्त हमें क्या हो जाना चाहिए? खामोश हो जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 में है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ईमान वाले वही है कि जब अल्लाह को याद किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर उसकी आयत की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में इजाफा हो जाता है और वो अपने रब पर ही भरोसा करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत मुबारक में अल्लाह पाक ने कामिल ईमान वालों की 3 खूबियां बयान फरमाई हैं। कितनी खूबियां? 3 खूबियां। किनकी? कामिल ईमान वालों। कामिल ईमान वालों की 3 खूबियां बयान फरमाई हैं। वो कौन सी है, आइए सुनते हैं। प्यारे बच्चों, ईमान में सच्चे और कामिल लोगों की पहली खूबी ये बयान हुई है कि जब अल्लाह पाक को याद किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं। क्या हो जाता है? दिल डर जाता है। हाँ, कामिल ईमान वालों की पहली निशानी ये है, ये बयान हुई है कि जब वो अल्लाह पाक को याद करते हैं तो उनके दिल डर जाते हैं। जोर से बोलिए, क्या होता है? दिल डर जाते हैं। दिल डर जाते हैं। और दूसरी खूबी ये बयान हुई है कि अल्लाह पाक की आयत सुनकर उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। दूसरी क्या खूबी बयान हुई है कि जब ये अल्लाह पाक की आयत को सुनते हैं तो आयत को सुनकर क्या हो जाता है? इनके ईमान में इजाफा हो जाता है। इनके ईमान में इजाफा हो जाता है। सुबहान अल्लाह। और तीसरी खूबी ये बयान हुई, कौन सी खूबी? तीसरी खूबी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, तीसरी खूबी ये बयान हुई कि वो अपने अल्लाह पाक पर भरोसा करते हैं। सुभान अल्लाह। कामिल ईमान वालों की प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, कामिल ईमान वाले कौन लोग? हाँ, कामिल ईमान वालों की तीन खूबियाँ बयान की गई कि जब ये अल्लाह पाक को याद करते हैं तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब ये आयत को सुनते हैं तो इनके ईमान में इजाफा हो जाता है, और तीसरी खूबी ये बयान हुई कि ये अपने अल्लाह पाक पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। भरोसा करते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी तरबियत भी हो रही है, बच्चों की भी तरबियत हो रही है। तो बच्चों आपने सुन लिया, इन बातों पर आपने अमल भी करना है माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है बयाने नुज़ूल। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है इस सेगमेंट में कुरानी आयत के शाने नुज़ूल बयान किए जाते हैं, और आज हम पारा 15 सूरह कहफ की आयत नंबर 28 के शाने नुज़ूल के बारे में सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदून वजहहु वला तअद ऐनका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुन्या वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाह वत्तबअ हवाहु वकान अम्रुहु फुरुता। तर्जुमा, और अपनी जान को उन लोगों के साथ मानूस रख जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, इसकी रज़ा चाहते हैं, और तेरी आंखें दुनियावी जिंदगी की जीनत चाहते हुए उन्हें छोड़कर औरों पर ना पड़ें और उसकी बात ना मान जिसका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया, और वो अपनी ख्वाहिश के पीछे चला और उसका काम हद से गुजर गया। आइए बच्चों अब इस आयत का शाने नुज़ूल यानी नाजिल होने की वजह सुनते हैं। तो बच्चों एक मर्तबा काफिरों के सरदारों के एक ग्रुप ने हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, हमें गरीबों के साथ बैठने में शर्म आती है, अगर आप इन गरीब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को अपने आप से अलग कर लें तो हम ईमान ले आएंगे, और हमारे ईमान लाने की वजह से बहुत से और लोग भी ईमान ले आएंगे। बच्चों इस मौके पर यह आयत मुबारक नाजिल हुई और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि अपनी जान को उन लोगों के साथ मानूस रख जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, इसकी रज़ा चाहते हैं। बच्चों इस आयत मुबारक से मालूम हुआ कि अल्लाह पाक खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत फरमाता है, और ये भी मालूम हुआ कि अच्छों के साथ रहना अच्छा है अगरचे वो गरीब हों, और बुरों के साथ रहना बुरा है अगरचे वो अमीर हो। अल्लाह पाक से दुआ है हमें दुनिया में अच्छों के साथ रखे और क़यामत के दिन अच्छों के साथ उठाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने आयत का शान नुज़ूल, जो आयत का पस मंज़र था, जो आयत के नाजिल होने की वजह थी, वो हमने सुनी इजहान भाई से, और इजहान भाई ने हमें आयत का शान नुज़ूल बताया। और बच्चों आयत का हमने शान नुज़ूल तो सुना, शान नुज़ूल यानी नाजिल होने की वजह, लेकिन इस सेगमेंट से हमें एक बहुत अच्छा सबक भी मिल रहा है, और वो सबक ये है कि हमें अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती रखनी है चाहे वो गरीब हो। क्या सबक मिल रहा है? अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती रखनी है चाहे वो गरीब हों, और बुरे बच्चों से दोस्ती नहीं रखनी। जो अच्छे बच्चे नहीं हैं, जो अच्छी हरकतें नहीं करते, जो शरारतें करते हैं, उनसे दोस्ती नहीं रखनी, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो लंच अच्छा लाते हों स्कूल में, हैं, चाहे वो लंच अच्छा लाते हों, चाहे उनके पास अच्छी अच्छी चीज़ें हों, अच्छे पेन हों, अच्छी पेंसिल हो, और अच्छा बैग हो, अच्छी बुक्स हों, इलेक्ट्रिक बाइक हो, हैं, इलेक्ट्रिक बाइक गाड़ियाँ भी हैं ना टॉयस हों। हाँ, वो बाज़ाफ़ा जो उनसे दोस्ती रखते हैं उनके पास जाते हैं, तो इस तरह नहीं करना है। जो अच्छे बच्चे हैं उनसे दोस्ती रखनी है, चाहे उनके पास ये चीज़ें ना हो, ये वाले टॉयस ना हो, तो उन बच्चों से हमें दोस्ती रखनी है और बुरे बच्चों से दोस्ती नहीं रखनी है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि जिसके पास इस तरह के टॉयज़ हों तो वो मतलब बुरा ही हो, भाजपा जिसके पास नहीं होते वो भी इस तरह से होता है, वो भी बच्चा थोड़ा ना शरारती होता है। और नहीं होता होते हैं जिनके पास होता है, लेकिन वो अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बड़ों का कहना मानते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, सच बोलते हैं, अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, होता है माशाल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट भी सुना, इससे बहुत अच्छा सबक भी मिला। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और अगले सेगमेंट में हम वाक़या सुनेंगे। क्या सुनेंगे? वाक़या सुनेंगे, कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि सुनेंगे वाक़या, क्योंकि कहानी तो कुछ कहानियाँ सच्ची होती हैं, कुछ झूठी भी होती हैं। वाक़या वो होता है जो सच्चा होता है, और ये वाक़या जो है वो कुरानी वाक़या होता है। जो हम सुनते हैं वो कौन सा वाक़या होता है? कुरानी वाक़या होता है। कुरान पाक में उस वाक़ये का तज़किरा किया गया होता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है एक वाक़या। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है कुरान टाइम, कुरान टाइम, और सेगमेंट है जिसमें हम सुनेंगे एक वाक़िया, कुरानी वाक़िया। जिस तरह हमारे निहाल भाई ने बताया, इससे पहले भी हमारी गुफ्तगू हुई है कि बाज़ दफ़ा बच्चे जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं तो वो कुछ स्टोरी सुनना चाहते हैं, कुछ कहानी सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो बेहतर है आप वालिदैन जो हैं, जो घर के बड़े हैं, उन्हें सच्ची कहानियाँ सुनाएं, सच्ची एक हकीकी स्टोरी सुनाएं, ठीक है, वो उन्हें सुनाएं। इसके अलावा इस तरह की वाक़ियात ना सुनाएं कि बच्चे डर जाएं, डरपोक बन जाएं, बाहर निकलें तो डर जाएं, हवा आए तो डर जाए, अरे ये कौन आ गया है, तो इस तरह नहीं ना। जैसा कि वो मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल के जो हमारे कार्टून हैं ग़ुलाम रसूल, उसमें भी होता है कि वो टॉर्च से डर जाते हैं, एक आँख वाला आदमी, तो इस तरह नहीं, ठीक है। इसी तरह की कहानी पढ़ रहे होते हैं, इसी तरह की कहानी पढ़ रहे होते हैं ना। वो भी देखा है ना बच्चों, आपने देखा है ना, हाँ, उसके अंदर वो इसी तरह की एक कहानी जो हकीकी नहीं होती, फ़र्ज़ी कहानी होती है, डरावनी होती है, वो पढ़ रहा होता है तो वो डर जाता है। तो अगर आपने किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अगर कहानी पढ़नी ही है तो हकीकी कहानी पढ़ें, सहाबा इकराम के वाक़ियात पढ़ें, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, इस तरह जो कुरानी वाक़ियात हैं वो आप पढ़ें। तो आज जो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो हम एक वाक़िया सुनेंगे वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त वाक़िया है, और इस वाक़िए से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का जो हमारा वाक़िया है वो है एक ऐसा बंदा जो अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम था। क्या था? बहुत बड़ा आलिम था, हाँ, अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था वो शख्स। और बस ये ही नहीं, इसके अलावा यानी वो आलिम भी था, इबादत गुजार भी था, और वो मुस्तजाबुद दावात था। भाई ये क्या था? ये क्या होता है? उसके दो पर होते हैं, हाँ, किसे बोलते हैं मुस्तजाबु दावात? जिसकी हर दुआ कबूल होती है। हाँ, मुस्तजाबु दावात किसे कहते हैं? जिसकी दुआ कबूल होती है। ये जो शख्स था ना, मैं जिसका भी आपको नाम बताऊंगा, अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम था, इबादत गुजार था, जो दुआ करता था इसकी कबूल हो जाती थी। इसका नाम था बलअम बिन बाऊरा। क्या नाम था? बलअम बिन बाऊरा। जी हाँ, इसका नाम बलअम बिन बाऊरा था, और इसके बहुत सारे शागिर्द थे, इसके बहुत सारे शागिर्द भी थे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का जो हमारा वाक़िया है वो है बलअम बिन बाऊरा का। किसका वाक़िया है? बलअम बिन बाऊरा। जी हाँ, बलअम बिन बाऊरा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम था, इबादत गुजार था, इसके बहुत सारे शागिर्द थे, और जो ये दुआ करता था वो कबूल हो जाया करती थी। अब प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से लड़ने के लिए बनी इसराइल का एक लश्कर लेकर रवाना हुए। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। कौन? मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से लड़ने के लिए एक लश्कर लेकर रवाना हुए। तो जो बलाम बिन बाऊरा की जो कौम थी ना, वो इसके पास आई, घबराई हुई आई। इसकी जो कौम थी, क्योंकि ये जो दुआ करता था वो कबूल हो जाया करती थी, तो इसकी जो कौम थी वो बलाम बिन बाऊरा के पास आई और आकर कहने लगी, बलाम बिन बाऊरा, मूसा अलैहि सलाम जो है वो अपना एक लश्कर लेकर वो हमारी तरफ आ रहे हैं, तुम उनके लिए बद्दुआ कर दो। क्या कर दो? बद्दुआ। हाँ, बद्दुआ कर दो, क्योंकि ये अपनी कौम को, बनी इसराइल को यहाँ ला रहे हैं और हमें हमारी ज़मीनों से निकाल देंगे, अपनी कौम को यहाँ आबाद कर देंगे, तुम इनके लिए बद्दुआ कर दो। क्योंकि जो ये दुआ करता था वो कबूल हो जाया करती थी। अब जब बलाम बिन बाऊरा ने यह सुना कि इन्होंने अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहि सलाम के लिए कहा है कि मैं उनके लिए बद्दुआ कर दूं, तो बलाम बिन बाऊरा कहने लगा, तुम्हारा बुरा हो कि मैं हज़रत मूसा अलैहि सलाम जो अल्लाह पाक के रसूल हैं, मैं उनके लिए बद्दुआ करूं। वो कहने लगे कि मूसा अलैहि सलाम अल्लाह पाक के रसूल हैं और उनके लश्कर में मुसलमान और फरिश्तों का एक ग्रुप है, उनके लिए भला मैं कैसे बद्दुआ कर सकता हूँ? उसने क्या कहा कि भाई उसमें तो फरिश्ते भी हैं, मुसलमान भी हैं, इतना बड़ा ग्रुप है, अल्लाह पाक के नबी हैं, रसूल हैं, मैं उनके लिए कैसे बद्दुआ कर सकता हूँ? जब उसने ये बोला तो जो इसकी कौम थी, बलाम बिन बाऊरा की जो कौम थी, ये रोने लगी, रो रो कर कहने लगी कि नहीं, तुम उनके लिए बद्दुआ करो, तुम उनके लिए बद्दुआ करो। बहुत ज़िद करने लगी। जब ये ज़्यादा रोने लगे, रो रो कर कहने लगे, तो बलाम बिन बाऊरा ने कहा, चलो रुको, मैं इस्तिखारा करता हूँ, इस्तिखारा करने के बाद मैं कुछ सोचूंगा, मैं कुछ करूंगा। अब जब बलाम बिन बाऊरा ने इस्तिखारा किया कि मुझे अल्लाह पाक के नबी मूसा अलैहि सलाम के लिए बद्दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसने इस्तिखारा किया और इस्तिखारे के अंदर भी जब इसको इजाज़त ना मिली तो इसने मना कर दिया। इसने साफ साफ अपनी कौम को जवाब दे दिया कि मैं अल्लाह पाक के नबी मूसा अलैहि सलाम के लिए बद्दुआ नहीं करूँगा, अगर मैं उनके लिए बद्दुआ करूँगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। इसने साफ साफ बोल दिया। अब इसकी जो कौम थी, प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसकी कौम ने क्या किया? अब इसकी कौम ने बहुत ही महंगे तोहफे, बहुत ही महंगे और कीमती तोहफे बलाम बिन बाऊरा को देना शुरू कर दिए। इसको गिफ्ट, बड़े ही एक्सपेंसिव गिफ्ट, महंगे महंगे तोहफे इसको देना शुरू कर दिए और साथ साथ में कहने लगे कि बद्दुआ कर दो, बस तुम मूसा अलैहि सलाम के लिए बद्दुआ कर दो, बद्दुआ कर दो। प्यारे बच्चों, अब जब ये उनसे तोहफे लेने लगा तो बलाम बिन बाऊरा के ऊपर लालच का भूत सवार हो गया। कौन सवार हो गया? लालच का भूत। बलाम बिन बाऊरा के ऊपर कौन सवार हो गया? लालच का भूत सवार हो गया। इसने पहले मना कर दिया, इस्तिखारा किया, मना कर दिया। अब जब इसको माल मिलने लगा तो लालच का भूत इसके ऊपर सवार हो गया और ये खुद बलाम बिन बाऊरा गधी के ऊपर सवार हुआ। ये गधी के ऊपर बैठा और मूसा अलैहि सलाम के लिए बद्दुआ करने के लिए ये पहाड़ों की तरफ निकल गया, जाने लगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ज़रा गौर से सुनिएगा। जब इसने इरादा किया अल्लाह पाक के नबी के लिए बद्दुआ करूँगा, अपनी गधी पे सवार हुआ, पहाड़ की तरफ चलने लगा, तो इसके साथ इसकी जो गधी थी वो बार बार पीछे मुड़ती थी, अपना मुंह बार बार मोड़ लिया करती थी, रुक जाती थी। लेकिन ये बलाम बिन बाऊरा उसको आगे चलने पर मजबूर करता था। अल्लाह पाक ने उस गधी को ज़बान दी। उस गधी ने बोला, ए बलाम बिन बाऊरा, तू कहाँ जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं। क्या कहा गधी ने? मेरे आगे फरिश्ते हैं। हाँ, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़ कर पीछे की तरफ कर देते हैं, मेरा मुंह मोड़ कर मुझे उस तरफ से हटा देते हैं, मुझे पीछे मोड़ देते हैं। ए बलाम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मुसलमानों के लिए बद्दुआ करेगा? जब गधी ने ये बात कही, गधी की ये बात सुनने के बाद भी बलाम बिन बाऊरा नहीं रुका। उस पर लालच का भूत सवार था। उसने बोला, मैं बद्दुआ करूँगा, और वो दोबारा पहाड़ की तरफ चढ़ने लगा। और जब वो बुलंदी पर पहुँचा तो वहाँ पहुँच उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को भी देखा और माल दौलत की लालच में उसने बददुआ शुरू कर दी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब ज़रा गौर से सुनिएगा। वो शख्स जो अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, जिसकी दुआएं कबूल होती थी, अब ज़रा सुनिएगा गौर से अब क्या उसका अंजाम होने लगा है कि वो अल्लाह पाक के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे के लिए बद्दुआ करने जा रहा है। अब जब वो ऊपर पहुंचा जाकर उसने बद्दुआ शुरू की, तो प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जब वो बद्दुआ उसने शुरू की जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कर रहा था, लेकिन उसकी ज़बान से वो तमाम बद्दुआएं अपनी कौम के लिए निकलती थी। वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए करना चाहता था, लेकिन वो बद्दुआ उसकी अपने कौम के लिए निकलती थी। ये देखकर उसके कौम ने कहा कि वो अपनी कौम के लिए बद्दुआ कर रहा है, तो उसकी कौम ने उसको टोका, ए बलाम तुम उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा, ए मेरी कौम मैं क्या करूं, मैं बोलता कुछ हूं और मेरी ज़बान से कुछ और ही निकलता है। वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करना चाहता था, लेकिन अल्फाज और बद्दुआ उसकी कौम के लिए निकलती थी। तो प्यारे बच्चों फिर पता है किड्स मदनी चैनल के नाजरीन आखिर में क्या हुआ, इसका अंजाम क्या हुआ। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। हुआ यूं कि अल्लाह पाक की तरफ से बलाम बिन बाउरा को ये सज़ा मिली कि उसकी ज़बान लटक कर उसके सीने पर आ गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उस वक्त बलाम बिन बाउरा ने अपनी कौम से कहा, जब उसकी ज़बान लटक कर सीने पर आ गई तो उसने अपनी कौम से कहा, अफसोस, हाय अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो गईं। बच्चों आखिरी दम तक बलाम बिन बाउरा की ज़बान उसके सीने पर लटकती रही और वो बेईमान होकर मर गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन ज़रा सोचिएगा, बच्चों ज़रा सोचें उस वक्त उसका दर्जा क्या होगा। कितना बड़ा आलिम था, कितना बड़ा इबादत गुजार था, जो दुआ करता था उसकी वो दुआ कबूल हो जाया करती थी। वो अर्श आज़म को, वो दुनिया में बैठकर, ज़मीन पे बैठकर अर्श आज़म को देख लिया करता था, लेकिन गुस्ताखी, अल्लाह के नेक बंदों की गुस्ताखी और उनकी बेदबी और उनकी दुश्मनी, इसने उनसे दुश्मनी की, उनकी बेदबी की, उससे क्या हुआ कि इसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो गई। दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो गई। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यकीनन आपने भी पूरा वाक़या गौर से सुना होगा और समझा होगा। तो इस वजह से हमें चाहिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक के नेक बंदों का अदब करें। क्या करें? अल्लाह पाक के नेक बंदों का अदब करें, हम उनसे मोहब्बत करें। क्या करें? मोहब्बत करें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें चाहिए कि हम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से मोहब्बत करें, उनका अदब करें, अंबिया अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करें, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से मोहब्बत करें, हैं उनका अदब करें। इसी तरह औलिया कराम से मोहब्बत करें, जो अल्लाह पाक के नेक बंदे हैं हम उनसे मोहब्बत करें। अल्लाह ताला हमें बेअदबियों से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें नेक बंदों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आप इस वाक़े को और भी पढ़ना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं, तो आज जो हमने वाक़या बयान किया, अल्लाह पाक ने पारा 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 175 और 176 में इस वाक़े को बयान फरमाया है। किस में बयान फरमाया है? पारा 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 175 और 176 में इस वाक़े को बयान फरमाया है। आप चाहें तो आप तफसीर सिरातुल जिनान या अजाइबुल कुरान मा गराइबुल कुरान से इस वाक़े को आप पढ़ सकते हैं। और इस किताब को आप दावत इस्लामी की वेबसाइट से, दावत इस्लामी के इदारे मकतबतुल मदीना से भी हासिल कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन बच्चा बताएगा बलाम बिन बाउरा कौन था? जी बताइए। बलाम बिन बाउरा अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम था और वो मुस्तजाबुद दावात भी था, मुस्तजाबुद दावात था। अब ये कौन बच्चा बताएगा कि इसकी कौम ने आके इसे क्या कहा था? ऐसे कौन सा काम करना है? जी आप बताइए। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बदुआ का कहा था इसकी कौम ने, बलामीन बारू ने क्या जवाब दिया था? नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अच्छा, जब इसने मना कर दिया था कि मैं अल्लाह पाक के नबी के लिए बदुआ नहीं करूँगा, तो फिर ये क्यों एग्री हुआ, इसने क्यों बदुआ की? जी आप बताइए। लालच का भूत सवार हो गया था। हाँ, ये बलम बिन बाऊरा लालची हो गया था, इसकी कौम ने इसको महंगे महंगे तोहफे दिए थे, इसलिए ये बदुआ करने के लिए ये एग्री हुआ था। अच्छा, ये कौन बताएगा? ये अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम था, मुस्तजाबुद दावात था, लेकिन ये बेईमान होकर मरा और इसकी ज़बान लटक कर सीने पर आ गई थी। ये सज़ा इसको क्यों मिली, ये कौन बच्चा बताएगा? आप बताओ। वो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करना चाहता था, इसीलिए वो बेईमान होकर मरा। हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है प्यारे बच्चों। सुना आपने कि वो पहले क्या था और बेईमान होकर मरा, उसको सज़ा मिली, उसकी ज़बान लटक कर सीने पर आ गई, किस वजह से? कि उसने अल्लाह पाक के नबी के लिए बद्दुआ का सोचा था। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, हमें अल्लाह के नेक बंदों से, अल्लाह के नेक बंदों का अदब करना चाहिए, उनकी बेअदबी नहीं करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेक बंदों से मोहब्बत करने वाला बना दे, हमें नेक बंदों का अदब करने वाला बना दे। आमीन आमीन, बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरानी वाक़या हमने सुना है बलअम बिन बाऊरा के हवाले से, जो वाक़या था वो हमने सैयद साहब से सुना है कि किस तरह उसने लालच में आके बद्दुआ की। और वो इतना नेक इंसान था, इतना बड़ा आलिम दीन था उस वक्त का, और कई उसके शागिर्द थे, उसके शागिर्द भी बहुत सारे थे, और मुस्तजाबुद दावात था। वो क्या था? मुस्तजाबुद दावात था, जो दुआ करता था अल्लाह पाक उसकी वो दुआ को कबूल करता था। लेकिन जब उसने लालच की, जब उसने अल्लाह पाक के नबी के लिए बुरा सोचा, उनके लिए बद्दुआ करना चाहिए, तो फिर उसके साथ क्या हुआ, ये सब हमने वाक़ये में सुन लिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है नामों की तकरार। जी प्यारे बच्चों, सेगमेंट शुरू हो चुका है हमारा, नामों की तकरार। नींद आ रही है? नहीं आ रही ना? तेज़ आवाज़ में बताना है। नामों की जी, नामों की तकरार सेगमेंट शुरू हो चुका है, और हम अस्माउल हुस्ना को याद कर रहे हैं, यानी अल्लाह पाक के 99 नाम जो हैं उनमें से कुछ नाम हम याद कर चुके हैं, और 3 नाम आज के एपिसोड में याद करेंगे, और मज़ीद फिर इंशाअल्लाह अगली एपिसोड्स में याद करेंगे। आज जो हम अल्लाह पाक के 3 नाम याद करेंगे, साथ में उनके मायने भी याद करेंगे, वो ये हैं: अल मुसव्विरू, हर एक को सूरत देने वाला; अल गफ़ारू, बहुत बख्शने वाला; और अल क़हारू, यानी गलबा पाने वाला। ठीक है, अब ये नामों की तकरार करनी है, हमने नामों को याद करना है। मेरे साथ मिलके पढ़ें, इंशाअल्लाह ये नाम हमें याद हो जाएंगे। अल मुसव्विरू, अल मुसव्विरू, अल मुसव्विरू, अल मुसव्विरू, यानी हर एक को सूरत देने वाला, यानी हर एक को सूरत देने वाला, हर एक को सूरत देने वाला, हर एक को सूरत देने वाला। अल मुसव्विरू, अल मुसव्विरू, अल मुसव्विरू, अल मुसव्विरू, हर एक को सूरत देने वाला, हर एक को सूरत देने वाला, हर एक को सूरत देने वाला, हर एक को सूरत देने वाला। जी याद हुआ? आप सुनाएं। अल मुसव्विरू, हर एक को सूरत देने वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको याद हुआ? आपको सुनाए। अल मुसव्विरू, हर एक को सूरत देने वाला। माशाल्लाह। कितमीर भाई? अल मुसव्विरू, यानी हर एक को सूरत देने वाला। माशाल्लाह, पहला नाम हमने अल्लाह पाक का एक नाम हमने याद कर लिया है। अब अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। अल गफ़ारू, अल गफ़ारू, अल गफ़ारू, अल गफ़ारू, अल गफ़ारू, अल गफ़ारू, अल गफ़ारू के मतलब बहुत बख्शने वाला, बहुत बख्शने वाला, बहुत बख्शने वाला, बहुत बख्शने वाला। अल गफ़ारू, अल गफ़ारू, बहुत बख्शने वाला, बहुत बख्शने वाला। जी ये नाम याद हुआ? आप सुनाए जान भाई। अल गफ़ारू, बहुत बख्शने वाला। माशाल्लाह। अल मुसव्विरू, हर एक को सूरत देने वाला। अल गफ़ारू, बहुत बख्शने वाला। अगला नाम अल-क़हारू अल-क़हारू। पहले हमने याद किया अल-मुसव्विरू अल-मुसव्विरू, फिर अल-गफ़ारू अल-गफ़ारू, और अब याद कर रहे हैं अल-क़हारू 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 अल-क़हारू। अच्छा, कौफ को पुर पढ़ेंगे, ठीक है? काफ नहीं है, अल-क़हारू नहीं है, अल-क़हारू अल-क़हारू। इसका मतलब होता है गलबा पाने वाला गलबा पाने वाला। अल-क़हारू 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 अल-क़हारू। अल-मुसव्विरू अल-मुसव्विरू अल-गफ़ारू अल-गफ़ारू अल-क़हारू अल-क़हारू। जी, अब तीनों नाम साथ में उसके माना भी पहले सुनते हैं हम कितमीर भाई से। अल-मुसव्विरू हर एक को सूरत देने वाला, अल-गफ़ारू बहुत बख्शने वाला, अल-क़हारू ग़लबा पाने वाला। क्या बात है, अल-क़हारू ग़लबा पाने वाला। आप सुनाएंगे अल-मुसव्विरू अल-गफ़ारू अल-क़हारू। अब मायने भी बताएं अल-मुसव्विरू के। हर एक को सूरत देने वाला। अल-गफ़ारू के माना बहुत बख्शने वाला, और अल-क़हारू के माना ग़लबा पाने वाला। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर जो मौजूद बच्चे हैं इनमें से कुछ को याद हो गया है, कुछ को नहीं हुआ है। इनको नाम याद नहीं हुए, उन्हें याद करने हैं, साथ में माना भी याद करने हैं। जो किड्स मदनी चैनल पर हमें देख रहे हैं, क्या आपको नाम याद हो गए? नाम याद हो गए हैं ना? आप अपने किसी भाई को, अपनी बहन को, अपनी वालिदा को या अपने अब्बू जान को वो नाम सुना सकते हैं। जी प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, और सेगमेंट का नाम है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हम आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत, फ़ज़ाइल व बरक़ात और हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियात सुनेंगे जो क़ुरान करीम में बयान की गई हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा नंबर 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में इरशाद फरमाता है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबीन व कान मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये आयत मुबारक हमारे प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बुलंदोबाला शान को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान कर रही है। इस आयत मुबारक में प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो खूबी बयान की गई है जो किसी नबी को अता नहीं हुई, और वो खूबी है प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना। यानी अब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, और नबूवत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई है, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद किसी और को नबूवत नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि जब हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत से पहले आसमान से नाजिल होंगे, तो अगरचे आपको पहले नबूवत मिल चुकी है, मगर उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और इसी शरीयत पर हुक्म करेंगे, और खाना काबा की तरफ मुँह करके ही नमाज़ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रहे जो शख्स हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद किसी और को नबूवत मिलना मुमकिन जाने, वो ख़त्म नबूवत का इनकार करने वाला काफिर और इस्लाम से खारिज है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, ताजदार अम्बिया सबसे आखिरी नबी, है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी, आसियों का आसरा सबसे आखिरी नबी, एतिकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी, यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी ने शेख उशाब ने कहा सबसे आखिरी ने बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी है अकीदा ए रजा सबसे आखिरी ने नारा है अत्तार का सबसे आखिरी नबी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट से हमें पता चला जो आयत हमारे कितमीर भाई ने पढ़ी, इसका तर्जमा बताया और इसके हवाले से मज़ीद हमें बताया कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। ये हमने सबको याद करवाना है, ये ख़ुद भी याद करना है, सब बच्चों को याद करवाना है, जो आपके बड़े भाई हैं, जो आपके छोटे भाई हैं, छोटी बहन हैं, बड़ी बहन हैं, सबको याद करवाना है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता, कोई नया नबी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुद अल्लाह पाक ने कुरान पाक में आखिरी नबी फरमाया है, जो कि हमने अभी कितमीर भाई से सुना। माशाअल्लाह जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट बड़ा दिलचस्प होता है क्योंकि उसमें हम एक्टिविटी करते हैं और एक्टिविटी के ज़रिए कुरान पाक की दो सूरतों के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। सेगमेंट का नाम है आए कुरान सीखें। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट शुरू हो चुका है, आए कुरान सीखें। जी आए कुरान सीखें सेगमेंट शुरू हो चुका है और एक्टिविटी टाइम भी शुरू हो चुका है। कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है और ये सेगमेंट समझ लें एक्टिविटी टाइम है। तो आप दोनों के पास, आप दोनों के सामने दो बोर्ड लगे हुए हैं। आज भी हमारे साथ दो कंटेस्टेंट मौजूद हैं, एक टीम ए से हैं, एक टीम बी से हैं। टीम ए से जो हैं उनका नाम है मुनीब, क्या नाम है? मुनीब भाई हैं। और टीम बी से हमारे साथ हामिद रज़ा भाई मौजूद है। माशाल्लाह आप दोनों को तरीक़ेकार मालूम है। जो किड्स मदनी चैनल पर देख रहे हैं, आपको मैं इस एक्टिविटी का तरीका बता दूं कि दोनों भाइयों के सामने, दोनों कंटेस्टेंट्स के सामने बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड के ऊपर 6-6 सवालात मौजूद हैं और ये 6 सवालात किसी एक सूरत के बारे में। जी हाँ, जैसे कुरान पाक की सूरत नंबर 53 के बारे में पूछा गया है कि सूरत नंबर 53 का क्या नाम है, फिर उसी सूरत के मुतालिक सवालात हैं। तो आप लोगों के पास 6 सवालात मौजूद हैं। हर सवाल के जवाब के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। आपको जो जवाब दुरुस्त लगे, जो ऑप्शन दुरुस्त लगे कि ये जवाब बन रहा है, तो फिर आपने वो ऑप्शन निकाल के उस सवाल के जवाब की जगह पर लगा देना है। आपको इस पूरे टास्क के लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 2 मिनट के अंदर अंदर आपने अपना टास्क कम्प्लीट करना है। याद रहे कि जो पहले कर लेगा वो विनर नहीं होगा, बल्कि जिसने ज़्यादा जवाब दुरुस्त दिए होंगे, ज़्यादा जवाब दुरुस्त लगाए होंगे, वो हमारी इस एक्टिविटी का विनर होगा, चाहे वो पहले कर ले या फिर चाहे वो बाद में करे। तो आप दोनों तैयार हैं? टाइम शुरू किया जाए। जी आप दोनों का 2 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। कुरान पाक की सूरत नंबर 53 का नाम बताना है। कुरान पाक की सूरत नंबर 54 का नाम बताना है टीम बी वाले भाई को। जो सवाल पूछा गया है ऑप्शन जो है उसी सवाल के सामने लगाना है उसका जवाब ऑप्शन में से। हामिद भाई हाथ बांध के खड़े हो गए, सारे लगाने हैं। जो जवाब आपको लगे कि ये दुरुस्त है वो आपने लगाना है। 1 मिनट आपका गुजर चुका है, जल्दी कीजिए। जी हामिद भाई चेक कर लें, अभी भी वक्त है आपके पास। कुछ चेंजिंग करनी हो तो वो आप कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन चेंज करना हो। मुनीब भाई आपके पास भी वक्त है, कर सकते हैं। जी काउंटडाउन शुरू करें। 15 सेकंड तकरीबन आपके पास बचे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी आप दोनों के इस टास्क का वक्त ख़त्म हुआ, 2 मिनट का टाइम ख़त्म हुआ। आप देखते हैं कि मुनीब भाई ने कितने जवाब दुरुस्त दिए हैं। क्या लगता है मुनीब भाई, जवाब दुरुस्त होंगे? सारे दुरुस्त होंगे? नहीं होंगे? आप तो पहले से ही मना कर। चले देखते हैं कितने जवाब दुरुस्त हैं, क्या आपसे गलतियाँ हुई हैं। कुरान पाक की सूरत नंबर 53 का क्या नाम है, ये सवाल था सबसे पहले मुनीब भाई से, और इन्होंने इसका जवाब लगाया है सूरह नजम। और मुनीब भाई आपका जवाब दुरुस्त है, जो सुभान अल्लाह कहता है उसके लिए जन्नत में जी दरख्त लगा दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर का वर्द करते रहना चाहिए। माशाअल्लाह। सूरह नजम में कितनी आयतें हैं, और ये सवाल था हमारे मुनीब भाई से, आपने जवाब लगाया है 64। मुनीब भाई बहुत करीब थे आप, 64 नहीं बल्कि 62 इसका दुरुस्त जवाब है। 62 आयतें हैं सूरह नजम में, आपसे गलती हो गई। कितने पॉइंट्स मिल गए अभी तक मुनीब भाई को? एक ही पॉइंट मिला है। सूरत में कितने अल्फाज हैं सूरह नजम में, ये सवाल था आपसे, और आपने इसका जवाब लगाया है 342, जबकि इसका दुरुस्त जवाब है 409। आपसे एक और गलती हो गई मुनीब भाई। इसके बाद आपसे सवाल था कि सूरत में कितने हरूफ हैं, आपने इसका जवाब लगाया है 1513 1513, जबकि इसका दुरुस्त जवाब है 1421 1421। आपसे गलती हो गई एक और मुनीब भाई। अगला सवाल, सूरह नजम में कितने रुकू हैं, और आपने इसका जवाब लगा दिया है 7, जबकि आपके पास 2 रुकू का भी ऑप्शन था, 3 रुकू का भी ऑप्शन था। एक बार फिर आपने गलती कर दी मुनीब भाई। अभी तक 5 सवालात में से सिर्फ एक सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दिया है और 1 पॉइंट हासिल किया है। सूरह नजम कौन से शहर में नाजिल हुई है, मक्का पाक में या मदीना पाक में? और इसका जवाब आपने दुरुस्त लगाया है, मक्का पाक में नाजिल हुई है सूरह नजम, और आपका जवाब दुरुस्त है। तो इस तरह मुनीब भाई ने हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं मुनीब भाई आपने। अब देखते हैं कि हमारे हामिद रज़ा भाई ने कितने जवाब दुरुस्त लगाए हैं, कितने नंबर हासिल किए हैं। कुरान पाक की सूरत नंबर 54 का नाम पूछा गया सबसे पहले हामिद रज़ा भाई से, और इन्होंने इसका जवाब लगाया है सूरह कमर। सूरह कमर, आपका जवाब हामिद भाई दुरुस्त है, माशाअल्लाह। सूरह कमर इसका दुरुस्त जवाब है। और सूरह कमर में कितनी आयतें हैं, ये अगला सवाल था आपसे, और आपने इसका जवाब लगा दिया है 55, जबकि इसका दुरुस्त जवाब जो मेरे पास लिखा हुआ है और जो हकीकत में दुरुस्त जवाब है वो है 55। मुनीब हामिद रज़ा भाई, ये क्या कर दिया आपने? 55 है ही नहीं। अरे आपने 55 ही तो लगाया है, 55 यानी 55 आपने लगाया है, और आपका जवाब हामिद भाई दुरुस्त है, माशाअल्लाह। सूरह कमर में टोटल कितने अल्फाज हैं, ये आपसे सवाल था, और आपने इसका जवाब लगा दिया है 387, जबकि इसका दुरुस्त जवाब है, बहुत करीब थे आप हामिद भाई, बहुत करीब थे आप, इसका दुरुस्त जवाब है 382। आपसे गलती हो गई। सूरह कमर में कितने हरूफ हैं, और आपने इसका जवाब लगाया है 1488 1488, जबकि इसका दुरुस्त जवाब है 1460 1460। आपसे गलती हो गई हामिद रज़ा भाई। सूरत में कितने रुकू हैं, यानी सूरह कमर में कितने रुकू हैं, ये सवाल था, और आपने इसका जवाब लगाया है कि 8 रुकू हैं, जबकि सूरत में तो सिर्फ 3 रुकू हैं। हामिद भाई एक और गलती कर दी आपने। सूरत कहाँ नाजिल हुई, कौन से शहर में नाजिल हुई है, और आपने इसका जवाब लगाया है मक्का पाक, जबकि आपके पास दूसरा ऑप्शन भी था मदीना पाक का। आपसे गलती नहीं हुई, आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। तो इस तरह हासिल कर लिए हैं हामिद रज़ा भाई ने 3 पॉइंट्स हासिल किए हैं, देख लें माशाअल्लाह 3 पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो इस तरह फैसला हो गया कि आज का मुकाबला, आज की एक्टिविटी और आज का ये सेगमेंट, आज के सेगमेंट के विनर हैं हमारे हामिद रज़ा भाई, और दूसरी पोजीशन हासिल किए है आज मुनीब भाई ने, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमारी ये एक्टिविटी भी ख़त्म हुई, हमारा ये आखिरी सेगमेंट भी ख़त्म हुआ, और हमारी आज की एपिसोड भी अपने इख्तिताम को है। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली एपिसोड में। अगली एपिसोड भी आपने ज़रूर देखनी है। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। भी हैं, खेल हैं और मुकाबले चलो सीखें बच्चों का मदनी चैनल।